की ओर बढ़ने से पहले एक नजर देखते हैं आज की हेडलाइन पर। शिवसेना की अनुमति को किया अस्वीकार, गढ़चिरौली में 300 भक्तों का रहा तालाब, सीआरपीएफ कैंप में सिपाही की मौत। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की रैली भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ सरकार ने नहीं दी। फिलहाल 24 नवंबर को उद्धव ठाकरे शायरू नदी के तट पर भगवान रामचंद्र की आरती करेंगे। गढ़चिरौली में स्वामी नरेंद्र महाराज का डिजिटल मीडिया अलपाली में आयोजित किया गया था। इस क्षेत्र में करीब 3000 भक्तों ने उपस्थिति दिखाई दी। लखनऊ में सीआरपीएफ कैंप पर शुक्रवार को सिपाही को गोली लगने से मौत हो गई। आशंका जताई जाती है कि सिपाही ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।